नमस्कार। आमतौर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजट के बाद बजट के संदर्भ में संसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है, उपयोगी भी है। लेकिन हमारी सरकार बजट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है। बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है। बीते कुछ दिनों में मैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूं। आज रीचिंग द लास्ट माइल, जो महात्मा गांधी कहते थे ना कि आपकी नीतियां, आपकी योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इसी विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी बनी है कि बजट में लोक कल्याण के इतने काम होते हैं, इतना बजट होता है, हम उसको लाभार्थी तक पूरी ट्रांसपेरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं। साथियों, हमारे देश में एक पुरानी अवधारणा रही है कि लोगों का कल्याण और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है। ऐसा नहीं है। देश और देशवासियों के विकास के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए। सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे, उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। आप याद करिए, हमारे देश में पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक वैक्सीन पहुंचने में कई कई दशक लग जाते थे। देश वैक्सीनेशन कवरेज के मामले में बहुत पीछे था। देश के करोड़ों बच्चों को, खासकर गांवों और ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले बच्चों को वैक्सीन के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ता था। अगर पुरानी अप्रोच के साथ काम करते तो भारत में वैक्सीनेशन कवरेज को 100% करने में कई दशक और बीत जाते। हमने नई अप्रोच के साथ काम शुरू किया, मिशन इंद्रधनुष शुरू किया और पूरे देश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुधारा। जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो इस नई व्यवस्था, नए सिस्टम का लाभ हमें दूर सुदूर वैक्सीन पहुंचाने में भी मिला। और मैं मानता हूं
गुड गवर्नेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को संभव बनाया। साथियों, रीचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सैचुरेशन की नीति एक दूसरे की पूरक है। एक समय था जब गरीब मूल सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था, किसी बिचौलिए की तलाश में रहता था, जिसके कारण करप्शन भी बढ़ता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था। अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और तभी रीचिंग द लास्ट माइल का लक्ष्य भी आप पूरा कर पाएंगे। आप देखिए, आज पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है। आज पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग के लिए वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टेली मेडिसिन के 10 करोड़ केसेस पूरे हुए हैं। ये भी स्वास्थ्य को लेकर रीचिंग द लास्ट माइल की भावना का ही प्रतिबिंब है। साथियों, भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साल 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है। सिर्फ 1 साल के भीतर ही देश में लगभग 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है अब तक करीब करीब 30,000 से अधिक अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। ये अभियान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतीय का जीवन स्तर सुधार रहे हैं जो दशकों से ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजार करता था। लेकिन साथियों, हमें यहां रुकना मंजूर नहीं है, हमें और आगे जाना है। आखिरी व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा ताकि पानी के नए कनेक्शन में हम वाटर कंजम्पशन का पैटर्न देख सकें। हमें इस बात की भी समीक्षा करनी है कि पानी समिति को और सशक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है। गर्मी का मौसम ही आ गया है,
जल संरक्षण के लिए अभी से हम पानी समितियों का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें सोचना है। बारिश के पहले ही कैच द रेन मूवमेंट के लिए लोक शिक्षण हो जाए, लोगों की सक्रियता हो जाए, जैसे ही पानी आए काम शुरू हो जाए। साथियों, इस वर्ष के बजट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे हैं। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हाउसिंग को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ें, कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ और मजबूत घर कैसे बने, ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर का फायदा कैसे हो, ग्रुप हाउसिंग के नए मॉडल गांव और शहरों में भी स्वीकार्य हो, ये कैसे हो सकता है, इस पर ठोस चर्चा की जरूरत है। आपके अनुभव का निचोड़ उसमें निकलना चाहिए। साथियों, हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्या है, शिक्षकों का फीडबैक क्या है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्सपोजर कैसे मिले, इनमें अटल टिंकरिंग लैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्कशॉप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा। जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है, कैसे ऑनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है। साथियों, पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में, 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में, पसमंदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे, जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। इस बजट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए होल ऑफ द नेशन अप्रोच की जरूरत है। इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स को तेजी से काम करना होगा। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रीचिंग द लास्ट माइल के लिहाज से एक सक्सेस मॉडल बनकर उभरा है। इसी अप्रोच पर अब देश के 500 ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए हमें कंपेरेटिव पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए काम किया है। हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े नए विचार, नए सुझाव, इस मंथन में से वो अमृत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में आखिरी छोर पर बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे। हमें आगे के लिए सोचना है।
हमें इम्प्लीमेंटेशन पर बल देना है, हमें टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करते हुए ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना है। हितधारक सही हो, उसको मिलने की व्यवस्था उसके काम आने वाली हो और समय सीमा में मिले, ताकि जल्दी से जल्दी वो एक नए विश्वास के साथ खुद गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारा एक सैनिक बन जाएगा। हमारे गरीबों की फौज गरीबी को परास्त करने के लिए ताकतवर बननी चाहिए। हमें गरीबों की ऐसी शक्ति बढ़ानी है ताकि हमारा गरीब ही गरीबी को परास्त करे। हर गरीब ये संकल्प लेना शुरू करे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है। सरकार मेरा हाथ पकड़ रही है, मैं चल पड़ूंगा। ये वातावरण हमें पैदा करना है और इसके लिए मुझे आप जैसे सभी स्टेक होल्डर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आज का ये वेबिनार एक प्रकार से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति का कारण बनेगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।